हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे एस्टोरिया रॉयल्स बाय निर्माण ग्रीन्स एट रावेट इन पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे ये एस्टोरिया रॉयल्स का एलिवेशन है, डेवलपिंग बाय निर्माण ग्रीन्स एट रावेट इन पुणे, जिसमें राइट साइड में एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके बाद दो रेसिडेंटल बिल्डिंग है पीछे की तरफ, ए टावर और बी टावर। तो डेवलपर ने अभी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला टावर लॉन्च किया है, जो कि बी टावर है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है 4 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, और दोनों बिल्डिंग में दोस्तों बेसमेंट लेवल पार्किंग है, ग्राउंड है, और 2 लेवल पोडियम पार्किंग है, और उसके ऊपर 23 हैबिटेबल फ्लोर्स है। अब जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो बी टावर है, हर एक फ्लोर के ऊपर 9 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 4 BHK फ्लैट्स। तो आज हम लोग बी टावर के बारे में बात करेंगे। ए टावर अभी तक लॉन्च किया नहीं है, तो हम लोग बी टावर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एमिनिटीज जो है वो ग्राउंड लेवल पे दिया गया है, और कुछ एमिनिटीज जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो ग्राउंड लेवल एमिनिटीज आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको मल्टीपर्पज कोर्ट, स्कल्पचर्स, नीचे एरिया, क्लाइंबिंग वॉल, बुफे एरिया, फेस्टिवल एरिया, फ्लावर गार्डन, मल्टीपर्पज क्लब हॉल, कन्वीनियंस ट्रॉली, व्हील चेयर फैसिलिटीज, वाटर फीचर्स, सिक्योरिटी कैबिन, एंट्रेंस गेट, सिट आउट एरिया, जॉगिंग ट्रैक, 2 लेवल क्लब हाउस, फीचर वॉल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, वुडन पूल डेक, पूल साइड बार, इवेंट स्टेज, पार्टी लॉन, जिम्नेजियम एंड एम्पीथिएटर सिटिंग। तो ये सारा कुछ ग्राउंड लेवल पे दिया गया है। और रूफ टॉप एमिनिटीज में अगर आप देखेंगे तो स्काई वॉक, फ्यूचर वॉल, इवेंट स्टेज एरिया, पार्टी लॉन, फूड काउंटर एरिया, परगोलास, सिट आउट्स, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, स्टार गेजिंग डेक, ओपन एयर योगा एंड मेडिटेशन एरिया, एमपी सिटिंग्स, मल्टीपर्पज हॉल लाइक टेनिस, चेस, कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, फुटबॉल एंड आर्ट रूम, म्यूजिक रूम, जिम एरिया, योगा और जुम्बा एरिया, को वर्किंग स्पेस, लाइब्रेरी एरिया, सनसेट डेक एंड गेजिबो एरिया, सनराइज डेक, हेमॉक जोन, टॉडलर्स लाइब्रेरी एंड गेम्स एंड 8 गेस्ट रूम ऑन रिफ्यूज फ्लोर्स। और जिनके भी घर पे कभी कुछ फंक्शन होता है, गेस्ट आते हैं, तो यहाँ पर 8 गेस्ट रूम्स दिया गया है, बट डेट विल बी प्रायर टू बुकिंग विद द सोसाइटी। और लोकेशन वाइज दोस्तों आप देखेंगे इस एरिया में, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये पूरा रावेट एरिया है, और ये जो रोड है ये ऑन बानेर BRTS रोड है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, एस्टोरिया रॉयल्स बाय निर्माण ग्रीन्स। तो दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसे ही खत्म होता है और आप राइट की तरफ आप मुड़ते हो टूवर्ड्स मुंबई पुणे बाईपास रोड, तो यहाँ पर राइट में मुड़ते ही आपको राइट साइड वापस जाना है टूवर्ड्स मुकाई चौक, 1 किलोमीटर अंदर जाना है, तो 1 किलोमीटर अंदर ही ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, एस्टोरिया रॉयल्स। तो रावेट में वैसे काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। और दोस्तों, USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर हर चीज अवेलेबल है। तो की डिस्टेंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मुकई चौक जो है वो 0.5 किलोमीटर पर है, रिलायंस स्मार्ट 2 किलोमीटर पर है, सेंटोसा रिसोर्ट जो कि रावेट में है 2 किलोमीटर पर है, बालाजी टेम्पल 2 किलोमीटर, HP पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर, लोटस बिजनेस स्कूल 4 किलोमीटर, HDFC बैंक जो कि पुणे वाले में है 4 किलोमीटर, अधीरा इंटरनेशनल स्कूल 5 किलोमीटर, डोमिनोज पिज़्ज़ा 5 किलोमीटर। और अदर USP अगर आप देखेंगे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर पर है, सिम्बोस है जो कि केवले में है 2 किलोमीटर पर है, सिटी प्राइड स्कूल 3 किलोमीटर, SB पाटिल स्कूल 3 किलोमीटर, हैंगिंग ब्रिज रावेट 4 किलोमीटर, MCA इंटरनेशनल स्टेडियम गौंजे 4 किलोमीटर, JSPM कॉलेज तथावड़े 5 किलोमीटर, डीमार्ट रावेट 6 किलोमीटर, दी कैथोलान तथावड़े 7 किलोमीटर, अपकमिंग WTC एंड ईऑन IT पार्क इन तथावड़े 7 किलोमीटर, भूमकर चौक 8 किलोमीटर, इंदिरा कॉलेज एंड JSPM कॉलेज एट तथावड़े 8 किलोमीटर, लाइफ पॉइंट हॉस्पिटल एट वाकड़ 9 किलोमीटर, लाइफ रिपब्लिक अगेन 9 किलोमीटर, होटल टिप टॉप इंटरनेशनल वाकड़ 9 किलोमीटर, हिंजेवाड़ी कनेक्टिविटी फ्रॉम रावेट वाया लाइफ रिपब्लिक इज 9 किलोमीटर, फिनिक्स मॉल एट वाकड़ 10 किलोमीटर, हिंजवाड़ी कनेक्टिविटी फ्रॉम रावेट वाया लाइफ रिपब्लिक 9 किलोमीटर,
फिनिक्स मॉल वाकड 10 किलोमीटर, हिंजवाड़ी हाई स्ट्रीट 13 किलोमीटर, और ये प्रोजेक्ट दोस्तों मेन ऑन रावत बीआरटीएस रोड के सामने ही लोकेटेड है। और बिल्डिंग का लुक आप देखेंगे दोस्तों, काफी एलिगेंट लुक है, रिच लुक है। एस्टोरिया रॉयल्स बाय निर्माण ग्रीन्स, तो निर्माण ग्रीन्स इज वन ऑफ द ब्रांडेड डेवलपर। इस प्रोजेक्ट में आपको 50 प्लस लाइफस्टाइल एमिनिटीज दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है इस प्रोजेक्ट में, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग एंड वाटर फ्लोइंग इन द स्विमिंग पूल विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ द वाटरफॉल इन द स्विमिंग पूल, और प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइटनिंग्स और फॉग लाइट्स प्रोवाइड किया गया है विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज। और यहाँ पर आप देखेंगे चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिया गया है, जो कि काफी बड़ा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक है, सो वेरी ब्यूटिफुली डिजाइंड। टेरिस एमिनिटीज में आपको योगा एंड मेडिटेशन एरिया दिया गया है, अगेन रूफ टॉप एमिनिटीज पर चिल्ड्रंस प्ले एरिया दिया गया है, प्रोवाइडेड विद सॉफ्ट फ्लोरिंग विद डिसेंट प्लांटेशन। और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे ये पार्टी लॉन है, जहाँ पर आप टाइम टू टाइम फंक्शंस, आप बर्थडे पार्टी, कोई भी सेरेमनीज, कोई भी फंक्शंस यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दूसरी तरफ आपको काफी बड़ा सा सन डेक और गैजिबो एरिया दिया गया है, और अगेन रूफ टॉप में आप देखोगे यहाँ पर योगा और जुम्बा रूम दिया गया है, और यहाँ पर रूफ टॉप में आप देखेंगे हैमॉक गार्डन और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, परगोलाज एंड सिट आउट एरियाज विद ओपन लॉन। तो आप जितने भी एमिनिटीज आप दोस्तों आप देखेंगे इस बिल्डिंग में, सारे प्रोफेशनल साइज एमिनिटीज है। और फाइनली दोस्तों आते हैं इसको यूनिट प्लान के ऊपर, तो आप यूनिट प्लान में यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 BHK का यूनिट प्लान है, जिसमें हॉल में भी आपको बड़ा सा बैल्कनी मिलता है और बेडरूम में भी बैल्कनी दिया गया है, और हर एक फ्लैट में ये बैल्कनी दिया गया है ताकि आपको प्राइवेसी मिले ऊपर वाले फ्लैट से। और किचन में आप देखेंगे दोस्तों ड्राई बैल्कनी सेपरेट दिया गया है, जहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन और एक एक्स्ट्रा सिंक दिया गया है, तो आप ड्राई बैल्कनी में आप कपड़े भी वहाँ पर आप सुखा सकते हो। तो प्लानिंग जो है 2 BHK का काफ़ी बढ़िया प्लानिंग है। तो इसका कारपेट एरिया जो 2 BHK का है वो दोस्तों 717 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 71 लाख इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और 3 BHK में सिमिलर फीचर्स दिया गया है, बैल्कनीज एंड ड्राई बैल्कनी, और उसके अलावा आपको फायर एंट्रेंस मिलता है ताकि आपको प्राइवेसी मिले फ्लैट में। तो 3 BHK का जो एरिया है वो 973 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 93 लाख से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और बड़े साइज का 3 BHK है 1080 स्क्वायर फीट, प्राइस इज 95 लाख, और 4 BHK 1747 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 1.65 crore इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों इस बिल्डिंग का पोजीशन जो है वो दिसंबर 2025 में है। तो इस क्लिप के बाद दोस्तों मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। और निर्माण ग्रीन्स के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए दोस्तों आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।